आप सबकी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बाद जो लोग आपको एडमायर करते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सो आप लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी सर। कपिल जी, मैं हरियाणा से हूँ, पलवल से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने तमाम इस देश के जिन्होंने जो होनहार हमारे खिलाड़ी थे और देश की मान और शान और झंडे को उन्होंने ऊंचा बनाया, इसलिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। शुक्रिया सर, हमारा सौभाग्य है ये सब आज हमारे शो पे आए। ये आज कई बार ये कहते हैं कि हमारे देश में कम मेडल आए हैं। जी, मैं कहता हूँ इसका एक और एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ी के खेल के बीच में राजनीति निकल जानी चाहिए, उसके बाद देश में बहुत मेडल आएंगे। और जिस प्रकार से सोनी का आपने अभी कहा, इन्होंने जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, जी आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे इसी प्रकार से अगर और भी प्रमोट करें तो हमारे इनका हौसला बढ़ेगा ताकि बहुत मेडलों की बौछार हो। रतन सिंह जी, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप पॉलिटिशियन है? नहीं, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं और हूँ भी। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिशियन नहीं है, पहले बताइए आप लोग। क्या बात है, सारा लोग हर आदमी। अच्छा, मैंने देखा कि आप जब बोलते हैं तो और कोई बोल ही नहीं सकता। तो नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल पाओगे, समझ लीजिए। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे मैडम ने कभी बोलने नहीं दिया, आज सारा ही बोल गए। फिर भाई कपिल जी, ये बीमारी आपको हो सकती है, मेरा बेटा भी है, ये बीमारी नहीं है। हम तो हरियाणा के चौधरी हैं। हम ओ सुन लो पापा जी, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको घर पे शायद बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आज सारी दुनिया का, सारी उम्र का आपने एक ही साथ बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, सिद्धू जी डरते हैं। अभी कहा सिद्धू जी डरते हैं, लेकिन रतन सिंह सरोत नहीं डरता भाई साहब के। यही तो हरियाणा वालों की शान है, ये डरते नहीं है, इन्होंने सबसे तगड़ा झूठ बोला ठोको। देखिए कपिल जी, जी, मैं आपका शो देखने आया हूँ और तमाम जितने प्लेयर्स हैं इन सबका खेल भी देखता हूँ, लेकिन मैं कम देखता हूँ सिर्फ क्रिकेट। एक बार देखा, सीरियस नहीं है मजाक में, 1990 में देखा जब ये जीरो में आउट हुआ। ये तो आज हम पे जा गए, ये बड़ा बारीकी से देखते हैं आप। देखो तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। पर बहुत मजेदार है सर जी, आप बहुत मजा आया आपको, आपसे बात करके। What a sporty day! I'm Dr. Mishukla, TKIH. TKIH मतलब? Teal command in hand. देखिए भी लाइफ फिर भी पूछ रहे हो। हर बात का मतलब। Well, मैं आपको बताना चाहता हूँ that I am a very reputed doctor. Veterinary doctor? नहीं नहीं, जानवर तो ये खुद है। You're looking beautiful, by the way. Very nice looking. Well, you are the proud of India, and मैंने न्यूज चैनल में देखा कि आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भारत का नाम पहले इतना अच्छा है, भारत फिर रोशन क्यों कर दिया आपने? क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, आइए। ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं? बेवकूफ है आप? भारत का नाम रोशन कर दिया मतलब भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने। Oh, that way. फिर तो मैंने भी अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा ऊंचा किया, पता है आपको? क्या? पीछे बोर्ड लगा हुआ ना, शांतिवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये नीचा था, मैंने इसको ऊंचा कर दिया। आई एम राजमिस्त्री। डॉक्टर साहब, यहाँ स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप कहाँ अपनी दिहाड़ी सारे बीच में? मतलब क्या कर रहे हैं आप? इधर से क्वेश्चन कौन पूछता है भाई?
ऐसा करके एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, बट जहां तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत आगे हूँ। गुड, ये ना मेरे हर वक्त मूड में स्पोर्ट्स रहता है, लाइक दिस। मैं तो पेशेंट का इलाज भी स्पोर्ट्स के तरीके से करता हूँ। आई हैव अ डेमो, तो मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पा। अरे ओ पुष्पा, इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में, इधर आइए, निशाना इधर लगा हुआ है, कैसे मैं वहां मारूंगा? तो मैं क्या करूं? ये सेब मेरे सर में टिकता भी तो नहीं है। तो मुंह में रख लो ना इसको। सामने आओ। नानी मुझे लग रहा है ना पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है, तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मैं तो पागल डॉक्टर, पागल किसको बोला? अरे ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? पप्पू ये क्या है? अरे ये इलाज के साथ साथ निशानेबाजी भी सिखा रहा है, ताकि अगले साल ओलंपिक में जाके हम कम से कम 10-12 मेडल तो जीत ही लेंगे। क्यों? मेडल तू लेके आएगी, जा तू ज्यादा ज्यादा इन्फेक्शन लेके आ सकती कहीं से। ए रुको, इनसे आके मिली नहीं, ये सारे हमारे देख खिलाड़ी मेडल ये लेके आए हैं। वाकई में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पुष्पा नानी का आप सबको बहुत बड़ा सल्यूट। हाय, मैं दिल से तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ, इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो। अरे इस बार तो गोल्ड और सिल्वर लेके आए ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार डायमंड का मेडल लेकर आना तुम सब। डायमंड का मेडल नहीं होता, डायमंड तो कॉमिक्स होती है। आपको पता है सिद्धू जी, जब मेरा कप्पू पैदा हुआ था ना, तो मुझे भी लगा था कि मेरा कप्पू मेडल जीत कर लाएगा। ओहो, कैसे मेडल जीत के लाएगा भाई? ये कोई हाई जंप लगा के पैदा हुए हैं जो मेडल लेके आएंगे? अरे इस मोहल्ले का सबसे स्पोर्टिव पर्सन मैं हूँ, अगर मैं मेडल नहीं ला सका तो फिर ये किधर से लाएगा भाई? गुलाटी, तू कहाँ से स्पोर्टी हो गया है? अगर तू मर्द का बच्चा है ना डॉक्टर, तो चल मेरे साथ कॉम्पिटिशन कर। मैं तो औरत का बच्चा हूँ, अकेला मर्द कोई बच्चा पैदा कर सकता कभी भी नहीं। बट बात अगर कंपटीशन की है तो डॉक्टर गुलाटी हमेशा तैयार है। तैयार है? बोल क्या खेल खेलेगा? देखो ये सारे स्विमिंग, रनिंग, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये तो मुझे आते नहीं, कभी खेले नहीं ना। मुझे अंताक्षरी बड़ी अच्छी आती है, ये मैं बड़ी अच्छी खेल सकता हूँ। अंताक्षरी? यस। चल ठीक है, तो शुरू करते हैं। खड़े खड़े क्या करना है? कुछ काम करे, कुछ काम या? लेते प्रभु का नाम, मा मा से, मा से चल स्टार्ट। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदली लगे। एक मिनट, एक मिनट, हेलो माँ से, माँ से गाना था, आ से क्यों गा रहा है तू? माँ से ना, मैं अपनी मम्मी को अम्मा कहता हूँ, तो मेरे लिए माँ और ऐ सेम है यार। मेरे हा से आया तो मैं एच से सुनाऊ। हा से? हा से? हाँ जी। ले लकड़ी की काड़ी, काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम दबा के दौड़ा। लेकिन गलत गाया है? क्यों? तुम्हारा तो हा से आया था, तुमने ला से गाया। नहीं, जैसे अपनी माँ को तुम अम्मा कहते हो, वैसे ही हलवाई को मैं लाला जी बोलती हूँ। दौड़ा
क्या? चलो कोई नहीं, दौड़ा से ना। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। ओए। हाँ जी, ने दादा को भी माँ बोलता है? नहीं, मैं अपनी दीदी को मामा बोलता हूँ। दीदी को मामा। देखो, जब तक जेंडर चेंज नहीं किया था तब तक ठीक था, अब तुमने जेंडर चेंज कर दिया है, मतलब तुमने चीटिंग की है। जेंडर चेंज के बारे में कौन बात कर रहा है? देखो डॉक्टर साहब, आप दीपा के पास क्यों खड़े ज्यादा? नहीं नहीं, मैं तो कोच साहब के पास खड़ा था। तो आपको लग रहा है मैं तो एक्चुअली कोच साहब का बहुत फैन हूँ। I want to learn from the best coach. जिन्होंने इतने सारे मेडल दिलाए, वो मेरे को डांस सिखा सकते हैं कि नहीं? Can we hear for सत्यनारायण जी? जोरदार तालियां। Yes, 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 yes. सारे चैंपियंस के लिए जोरदार तालियां।